हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रणाम नमस्ते जय माता दी कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूं फ्रेंड्स तो आज मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं आप लोग के साथ एक प्यारी सी रेसिपी के साथ मैंने ये नाइट में बनाई थी तो मैं आज बनाऊंगी लौकी के कोफ्ते लौकी ग्रेट करके मैंने एक घंटे पहले पानी उसमें नमक डाल के छोड़ दिया था और लौकी ने अच्छे सा पानी अपना छोड़ दिया है इस पानी का भी हम इस्तेमाल करेंगे और लौकी जो हमने निचोड़ के रखी है इसको हम फैला लेंगे तो फ्रेंड्स विंटर स्पेशल लौकी के कोफ्ते हम बनाएंगे विंटर स्पेशल मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इसको हम बिना गर्म मसाले के बिना किसी अदर मसाले के बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले हम बेसन ऐड कर लेंगे और घर के जो बेसिक मसाले रहते हैं उन्हीं के साथ बनाएंगे तो इसमें मैंने हल्का सा नमक हल्का सा मिर्ची और हल्का सा धनिया पाउडर डाल दिया है और इसको हम साइड में रख देंगे अब हम करेंगे ग्रेवी की तैयारी तो फ्रेंड्स मैं तीन जनों के लिए बना रही हूँ तो मैं कम क्वांटिटी में ले रही हूँ आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं तो मैंने एक टमाटर ले लिया मीडियम साइज़ का एक प्याज़ दो हरी मिर्ची और कुछ लहसुन की कलियाँ और इस तरह से पानी के छीटे मार के सौटे कर लिया है हल्का सा ठंडा होने के बाद हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे और इसकी एक अच्छी सी थिक सी ग्रेवी बन जाएगी पैन को थोड़ा सा पानी डाल के ये पानी भी उसी में डाल देंगे और ये देखिए हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे ब्लॉग में आपको ब्लॉग तो देखने को मिलता ही एंटरटेनमेंट आपका फुल होता है उसके साथ साथ आपको अच्छी अच्छी रेसिपी भी सीखने को मिलती है तो फ्रेंड्स लौकी में हमने जो मसाले डाले थे ना उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि लौकी में हल्का सा जो गीलापन रहता है ना उसी से अच्छे से स्टपिंग इसकी रेडी हो जाती है तो अब हम इसकी ना छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे जैसे कि हम रसगुल्ले के लिए बनाते हैं ना छोटी छोटी बिल्कुल वैसे ही बना लेंगे गोल गोल अगर इस तरह से आप बनाओगे ना तो आपका ये जो आ, क्या बोलते हैं मिश्रण है ना बिल्कुल भी वैसा नहीं होगा ढीला ढीला नहीं होगा और बॉल्स अच्छे से बनेगी ये देखिए बहुत अच्छे से बॉल्स बन जाती है तो मैं इस तरह से सारी बॉल बना लूँगी पहले और फिर इनको फ्राई करेंगे हम तो फ्राई भी फ्रेंड्स हम बहुत कम ऑयल में करेंगे मैंने डेढ़ चम्मच के बराबर तेल लिया है और इसमें हम सारी बॉल डाल देंगे और अलट पलट के इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे मतलब कि इनमें हल्का सा रेडिस आ जाना चाहिए इस तरह का और अब बचे हुए ऑयल में मैंने डाल दिया है जखा आप जीरा का इस्तेमाल कर सकते हैं या जो भी चीज़ आप तड़के में डालते हैं कोई भी गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं और बनाई हुई ग्रेवी इस तरह से डाल लेंगे हम और अच्छे से इसे तेल में भून लेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस ग्रेवी में ना हमें लहसुन वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हमें पहले ही इस्तेमाल कर रखा है हमने सब कुछ और दूसरी बात ये है कि आप इस ग्रेवी के साथ जब भी कोई रेसिपी बनाओगे ना चाहे पनीर की हो चाहे कोई भी हो तो जितना इसमें आप पानी डालोगे उतना ये थिक होएगी और अच्छी भी होगी कलर देखिए आप कितना अच्छा आ रखा है अभी बिना मसालों के ही तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसमें एक चम्मच फ्रेश क्रीम आप चाहे तो इसमें यहाँ पे दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि मैं बहुत बार दही का भी इस्तेमाल करती हूँ तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है उससे भी लेकिन आज मैं इसमें फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम भी कई बार मैं डालती हूँ पनीर में हो गया छोले में हो गया राजमे में हो गया हर चीज में तो मेरी अपनी ही एक अलग रेसिपी होती है मैं कहीं से सीखती नहीं हूँ तो इसमें भी हम बेसिक मसाले डालेंगे धनिया पाउडर लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालेंगे नमक आपको और मिर्ची आपको थोड़ा सा रुक के डालनी है हाथ को थोड़ा रोक के क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी डाली है और जो पकौड़ी बनाई है ना वो भी डाला है अब हम इसमें डाल देंगे लौकी का पानी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंड्स मिक्स करने के बाद मैंने इसमें हल्की सी कलर वाली मिर्ची डाल दी है क्योंकि मिर्ची बहुत कम डाली है तो इसका कलर अच्छे से नहीं आता तो इसलिए मैंने कलर वाली मिर्ची का इस्तेमाल किया है आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं एक बॉईल अच्छे से आ जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपने बनाए हुए कोफ्ते ऊपर से धनिया पत्ती से गार्निश कर लेंगे और रेडी है आपकी ये लजीज सी समर स्पेशल लौकी के कोफ्ते की रेसिपी कैसे लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स आप इसमें ना ग्रेवी अपने हिसाब से रख सकते हैं मैंने थोड़ा सा कम ही रखा है क्योंकि हमारे घर में लौकी के कोफ्ते कम पसंद किए जाते हैं तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाई मैंने इतना बनाई कि हम अभी खा पाए लेकिन ये भी बच गया था उसके बाद ना नेगी जी लेके आए थे ये आइसक्रीम की ब्रिक तो इस बार इस गर्मियों की पहली ब्रिक है ये हमारे घर में नहीं तो मतलब हर गर्मियों में आती है लेकिन हफ्ते दो हफ्ते में एक बार ज़रूर आ जाती है और अभी गर्मी को स्टार्ट हुई काफ़ी टाइम हो गया एक डेढ़ महीने से ऊपर ही हो गया होगा लेकिन तब से हमारे घर में ब्रिक नहीं आई थी परसों में आइसक्रीम लाई थी ना तो नेगी जी ने बोला कि आप इतनी आइसक्रीम लाए इसमें थोड़ा सा पैसे और डाल के एक ब्रिक ही ले आते उसमें ज़्यादा आ जाता है की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरी ये वाली जो सूट है ना बिल्कुल फट गई है पहनने लायक नहीं रही है तो इसका जो कुर्ती था वो तो चुन्नट से निकला हुआ था तो ये देखिए मैंने इसके चुन्नट से ही कर दिए हैं बट फिर भी ये इधर उधर ले जाने लायक नहीं है इसको मैं घर पर ही अवेयर करूँगी अब किसी वाइट प्लाजो या पैंट या क्या बोलते हैं लेगीज़ के साथ तो मेरे पास लॉन्ग लेगी शॉर्ट लेगीज प्लाजो और पैंट चारों हैं वाइट कलर में कॉटन में तो मैं उनमें से किसी के साथ वेयर कर लूँगी इसको और उसका पैंट जो अच्छी तरह से बिल्कुल फट गया था उसका एक बाजू बिल्कुल अलग हो गया था मतलब एक पैंट अलग हो गया था बिल्कुल तो उसका मैंने क्या यूज़ किया देखिए मैंने ये चार हैंकी बनाई है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनाई है ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कोई बता नहीं सकता इनको कि ये मार्केट से ला रखी है या हाथ से बना रखी है अगर इनमें प्रेस लग जाएगी तो ये बहुत ही अच्छे हो जाएंगे तो उसमें से ये मैंने चार हैंकी निकाले हैं जो कि अच्छे खासे लंबे चौड़े हैं ये देखिए मैं आपको खोल के बताती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स इतने लंबे चौड़े बने हैं ये और बीच में इंटरलॉक आया है इसमें तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हैंकी फोल्ड करके रहती है तो कोई भी नहीं बता सकता है कि ये हैंकी मैंने घर पे बना रखी है बिल्कुल जैसे जेंट्स हैंकी जो जेंस हैंकी जो रहती है मार्केट में मिलती है वही मैंने बना रखी है डेढ़ सौ ढाई सौ का कॉम्बो मिलता है चार हैंकी का तो ये देखिए प्लाजो की कीमत जो है मेरी पूरी निकल गई है तो फ्रेंड्स उसके बाद ना ये मैंने भिंडी धो के रख ली थी कि शाम को भिंडी बनाऊंगी और ये ना बेल है तो नेगी जी ऑफिस से चार बेल लेके आए थे ना तो मैंने सोचा चलिए बना लेती हूँ तो यहाँ पे नेगी जी ने मुझे बेल तोड़ के दिया और मैंने चीनी ले रखी है और बेल ले रखा बेल का अंदर का जो गुदा रहता है ना और इसको ना थोड़ा सा पानी डाल के अभी मैंने ना गरम मतलब नॉर्मल पानी डाला है इसमें और नॉर्मल पानी के साथ अच्छे से चीनी के साथ इसे मिक्स करूँगी जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए पहली बार मैं बेल का जूस बनाने जा रही हूँ हाथ से हाथ से क्या वैसे भी मैं पहली बार ही बना रही हूँ तो उधर मम्मी बनाते थे यानी मेरी सास बनाती थी तो मैंने पिया है बेल का जूस और मार्केट में मिलता है परसों नेगी जी लाए थे मैंने आपको बताया था ब्लॉक में लेकिन वो अजीब सा हो रहा था उसमें ना कसकसा सपना आ रहा था तो उसमें ना ये लोग मिक्सी में बनाते तो उसमें बीज वगैरह सब पीस जाते तो अच्छा नहीं हो रहा था और रेसी ने ना नहीं पिया था वो तो फ्रेंड्स जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई थी ना तो मैंने इसमें आइस क्यूब डाले थे ढेर सारे और ठंडा पानी डाला था और फिर इस तरह से हमको हाथ से ही इसको करना है और इसमें जो ये निकलते हैं ना रेसी जैसे वो अलग निकाल लेने हैं और यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा जूस बना था मार्केट से भी बढ़िया रेसी ने परसों पिया नहीं था लेकिन आज उसने पूरा गिलास पिया था एकदम पतला पतला सा जूस बना था और हर चीज़ की क्वांटिटी परफेक्ट थी तो बहुत अच्छा हो रहा था और एक गिलास मैंने भी पिया था और एक गिलास नेगी जी ने पिया था तो ये देखिए उसके बाद ना हमको छान लेना है इसको इस तरह से और छन्नी में जो ये गुदा सा बजता है ना तो इसको आप हाथ से आ, अच्छे से चला के इसका पानी अच्छे से निकाल लेना और ये देखिए ये लास्ट में ये जो बचता है तो इसको हम फेंक देंगे और अब हमारा अच्छा प्योर जूस निकल के रेडी हो गया है तो इसमें आप चाहे तो हल्का सा काला नमक भी डाल सकते हैं लेकिन हमने नहीं डाला था हमने ऐसे ही पिया था बहुत टेस्टी हो रहा था बारिशों की तो मैंने पहली बार अपने हाथ से बेल का जूस बनाया है मैंने देखा था वीडियो में और मेरी सास बनाती थी पहले तो मैंने पहली बार बनाया देखिए कितना टेस्टी हो रहा है मैंने एक आधा गिला, गिलास पी लिया नेगी जी ने भी पी लिया ये ये दूसरा गिलास है ये का है का तो मैं बहुत टेस्टी हो रहा है जो परसों नेगी जी लाए थे ना उससे भी ज्यादा टेस्टी हो रहा है उस वो तो ठीक ठीक सा हो रहा था या अच्छा हो रहा पतला पतला सा आप लोगों के घर में अगर भी है तो आप भी जूस बना के बहुत अच्छा होता है ये तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा और बस यहाँ पे छत में जाके मैं अपने बेटे के साथ थोड़ा सा इन्जॉय कर रही थी खेल रही थी आज वो खेलने नहीं गया था तो इसके बाद हम नीचे आते हैं और फिर वो नहाता है मैं पूजा वगैरह करती हूँ तो यही मेरा डेली का रूटीन रहता है तो आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो चलिए फ्रेंड्स करती हूँ मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड मिलती हूँ कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखिएगा गर्मी से बचे रहिएगा तो चलिए फ्रेंड्स बाय जय